प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो को बनाने का प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि आरपीसी के द्वारा हाल ही में नवीन विज्ञप्ति जारी की गई है, अधिशासी अधिकारी ईओ राजस्व अधिकारी आरओ स्वाध्याय सूत्रगढ़ के द्वारा इन दोनों वैकेंसीज के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है, उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताना चाहूँगा। आरपीसी के द्वारा पाठ्यक्रम को हमने 30 इकाइयों में डिवाइड किया गया। स्वाध्याय की कोई भी टेस्ट सीरीज जो चलती है वो लगभग 27 या 30 शेड्यूल पे कार्य करती है, जिसमें प्रमुख ये रहता है कि इन 30 शेड्यूल लगभग आप मान के चलें 75 दिन में एक बार कार्य को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यह व्यवस्था यहाँ तिथि हमने 22 सितंबर दे रखी है, परंतु ये तिथि 21 सितंबर है। 21 सितंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये कार्य आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्तर पे रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इसके लिए आप दिए गए लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक नया लिंक मिलेगा। आप प्ले स्टोर पर जाके स्वाध्याय सूरतगढ़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी किसी प्रकार की चाहिए तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए नंबर उपलब्ध करवाए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस के पवन सर के नंबर दिए हुए हैं। समय जो है वो उसका विशेष आप ध्यान रखें, 9 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान ही आप फ़ोन कॉल करें। आगे बताना चाहूँगा, महत्वपूर्ण किसी भी वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मन में प्रमुख जो बात आती है वो ये आती है कि हम किन किताबों से अध्ययन करें। पुस्तक सूची इसमें दी गई हुई है कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति अगर आप पढ़ना चाहें तो राज पनोरमा की पुस्तक बुक है वो इसके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था पढ़ना चाहें तो इसके लिए भी पुस्तक राज पनोरमा। आप भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना चाहें तो इसके लिए जो स्वाध्याय ने पुस्तक लगा रखी है वो है बौद्धिक प्रकाशन परीक्षावाणी राजव्यवस्था जो है। समसामयिकी के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नियमित रूप से, और यहाँ हमने शेड्यूल में जून की क्रोनोलॉजी है उसको प्रारंभ किया है। नगरपालिका अधिनियम के लिए जो मार्केट में बहुत सी किताबें उपलब्ध है, परंतु वर्तमान में बाफना पब्लिकेशन की किताब स्वाध्याय टीम को लगी बेहतरीन है, तो इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। इसके साथ में नियमित आप न्यूज़पेपर का अध्ययन करते रहें, उसके नोट्स बनाते रहें, किताबों के कवर पेज की फ़ोटोज़ इस पर डाली हुई है कि आपको सुविधा रहे। फिर भी हम ये कहते हैं कि पुस्तक सूची आपकी सुविधा के लिए दी गई है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इन्हीं किताबों से पढ़ें। महत्वपूर्ण यह है कि शेड्यूल में हमने टॉपिक लिखे हैं, उस टॉपिक को आप बेहतरीन करें। किताब का चयन आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल में संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आरपीसी ने जो जारी किया है वो पाठ्यक्रम दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और इसके अकॉर्डिंग ही आप कार्य करें। कोई भी इतर पाठ्यक्रम से इतर कोई भी चीज़ है उसको आप ना पढ़ें। कार्ययोजना पेपर की जो रहेगी वो इस प्रकार से, प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग क्या फिक्स 120 अंक जो है वो पूछे जाएंगे। इन 120 अंकों के अंदर जो है 80 का पार्ट जो रहेगा वो भारतीय संविधान, राजव्यवस्था जो है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, और 40 नंबर का जो है उसमें नगर पालिका अधिनियम। तो ये मान सकते हैं नगर पालिका अधिनियम का अपने आप में एक बड़ा सा रोल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, समय आपके 2 घंटे जो है परीक्षा के लिए। ये चीज़ें विशेष जो देखने वाली स्वाध्याय की टेस्ट सीरीज में विशेष जो बात रहती है वो ये है कि पूरा शेड्यूल प्लान इस प्रकार से बना रखे कि 21 नंबर शेड्यूल का पेपर 21 तारीख को होगा बुधवार को, 2 नंबर शेड्यूल का पेपर 23 तारीख को होगा। यानी सप्ताह के कौन कौन से दिन, सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन आपके टेस्ट रहेंगे। प्रत्येक शेड्यूल टेस्ट में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं शेड्यूल नंबर 1 से लेकर आगे तक। और हर तीसरे रविवार को जो एक बड़ा पेपर भी आपका रखा गया है, जैसे कि 8 शेड्यूल, ये 8 इकाई को अपने देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना काम हमने कर लिया, तो बाद में इसी काम का दोहरान एक मेजर टेस्ट के रूप में एक संपूर्ण 120 प्रश्नों का एक टेस्ट लिया जाएगा। तो ये 8 जो पेपर आपके रहेंगे उसमें प्रत्येक में प्रश्नों की संख्या 50 50 50, और जो मेजर टेस्ट जो रहेगा वो संपूर्णतः जिस वो स्वरूप जो आरपीसी पेपर कंडक्ट करवा रही है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। इस प्रकार के ये 30 के 30 शेड्यूल चार्ट यहाँ दे रखे हैं, यानी 5 आपके तब तक बड़े पेपर हो जाएंगे और 30 आपके यूनिट टेस्ट हो जाएंगे, ये आप मान के चलें। ये कार्ययोजना, आगे मैं शेड्यूल प्लान समझाना चाहूँगा क्या रहेगा।
जैसे एक नंबर शेड्यूल को अपने देखें कि ये 21 सितंबर को बुधवार को साइंस 6 बजे ये पेपर होगा। ऑफलाइन अगर आपने करना है तो स्वाध्याय की बिल्डिंग में ये पेपर रहेगा, और ऑनलाइन करना है तो स्वाध्याय एप्लीकेशन प्ले स्टोर है वहाँ ये पेपर आपको उपलब्ध रहेगा। अब एक नंबर शेड्यूल की पाठ्य सामग्री इस प्रकार से दे रखी है, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पनोरमा में से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ ये टॉपिक दे रखा है राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल पुरापाषाण ताम्बर व कांस्य युगीन ये टॉपिक। ये सुविधा के लिए पेज संख्या दे रखी है, पर इनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं है इन पेज संख्या का। अब यहाँ पे ये टॉपिक लिख दिया गया, महत्वपूर्ण ये किताब आप कोई भी पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये राज पनोरमा से पढ़ें, कोई भी किताब से पढ़ सकते हैं, टॉपिक लिखा गया है। ऐसे ही राजस्थान के भूगोल के लिए टॉपिक दे रखा है, स्थिति और विस्तार जो है अगर आप पढ़ना चाहें तो इस किताब से पढ़ सकते हैं, किताब की सूची दे रखी है, अगर आप इससे इतर भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार पॉलिटी का जो पार्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा संविधान की विशेषताएं जो है आप परीक्षा वाणी किताब से पढ़ना चाहें तो वहाँ से, अन्य किसी किताब से। इस प्रकार से पूरा पूरा ये शेड्यूल प्लान है, मतलब 48 घंटे की ये कार्य योजना है, 48 घंटे आप इस पे काम करेंगे और उसके बाद में आप इसका एक बड़ा पेपर जो है वो देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर शेड्यूल है वो 23 तारीख को रहेगा। अभी तक हमने जो है वो इसके 30 के 30 शेड्यूल वैसे तो जारी कर रखे हैं, आपको लगे तो जल्दी ये शेड्यूल आपने अगर देखने हो चेक करने हो तो ये स्वाध्याय का टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करवाए गए हैं, वहाँ से आप इनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज रहेगी उसकी विशेषता क्या है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मैं आपको बताऊँगा एक चीज़। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे तो मुख्यतः आपको MCQI में पेपर भी मिलेगा, इसके साथ में आपको जो है इन पेपर की PDF भी उपलब्ध करवाई जाएगी, साथ के साथ आप उनका प्रिंट निकाल सकते हैं। मुख्य सुविधा हमारे लिए ये रहेगी कि हम इन टेस्ट की PDF भी निकाल पाएंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज जो रहती है वो ये व्यवस्था में उपलब्ध नहीं करवाती कभी भी कि वो हमें PDF भी उपलब्ध करवा दे, सिर्फ स्वाध्याय की जो टेस्ट सीरीज है उसी में ये विशेषताएं हैं कि आपको PDF भी उपलब्ध रहेगी। तो मेरा मानना है कि आपको संक्षिप्त में सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 21 सितंबर से पहले पहले इन व्यवस्थाओं को ज्वाइन कर लें, यानी 75 दिन में एक आपका रिविज़न पूरा होगा। धन्यवाद।